कूप खोदते समय जल पटल आ जाने पर पानी का प्राकृतिक प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। यह पानी एक जगह ले जाया जाता है तथा वहां से पंप द्वारा खदान से बाहर निकाल दिया जाता है। क्षेत्र के खदानों से निकले पानी का उपयोग मिनरल वाटर बनाने के महत्वाकांक्षी प्रकल्प के लिए किया जा रहा है। कोयला खदानों से प्रचुर मात्रा में निकलने वाला पानी अर्थात माइन डिस्चार्ज वाटर खदान प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसमें से कुछ जल माइनिंग के कामों के उपयोग में लाया जाता है। अतिरिक्त जल पर शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर स्थानीय लोगों में वितरित किया जाता है। इस माइन वाटर यूटिलाइजेशन परियोजना के परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं। इससे क्षेत्र का जल संकट दूर हो रहा है, वही लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। भारत सरकार की जल शक्ति मिशन का यही तो मूल मंत्र है। पाटन सावंगी गांव में विकसित किया गया आरओ प्लांट एक दिन में लगभग 2 से 2.25 लाख लीटर पानी को पीने योग्य बनाने में सक्षम है। इससे 1 लाख से अधिक स्थानीय लोगों के पेयजल की समस्या का हल प्राप्त हो गया है। इस प्लांट पर ही अब बोटलिंग की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कोल नीर नामक ब्रांड से पेयजल को बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। कोल नीर का प्रयोग सफल है, इससे क्षेत्र के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल रहा है। ये जल स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांवों में सप्लाई किया जा रहा है।